दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाला आखिर हर 12 सालों में कुंभ का मेला क्यों मनाया जाता है। आज हम आपको कुंभ मेले से जुड़ी कुछ रहस्यमयी बातों के बारे में बताने वाले हैं, जिसे जानकर आप हरिद्वार के गंगा में एक बार स्नान जरूर करना चाहोगे। दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर ऐसे ही रहस्यमय और इंटरेस्टिंग वीडियो आते रहते हैं। तो दोस्तों चलिए कुंभ मेले की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों कुंभ का पर्व हर 12 सालों के अंतराल हमारे भारत के चारों में से किसी एक पवित्र नदी के तट पर मनाया जाता है। हरिद्वार में गंगा, उज्जैन में श्रीपाद, नासिक में गोदावरी और इलाहाबाद में त्रिवेदी संगम, जहां गंगा, यमुना और सरस्वती मिलती है। हरिद्वार में कुंभ मेले की तैयारियां जोरों पर है। 83 साल बाद 12 की जगह 11 साल के अंतराल में कुंभ मेले का आयोजन होने जा रहा है। कुंभ मेला दुनिया भर में किसी भी धार्मिक प्रयोजन हेतु भक्तों का सबसे बड़ा संग्रह है। कुंभ का पर्व हर 12 वर्ष के अंतराल चारों में से किसी एक पवित्र नदी के तट पर मनाया जाता है। हिंदू धर्म के मान्यताओं के अनुसार जब बृहस्पति कुंभ राशि में और सूर्य मेष राशि में प्रवेश करता है तो कुंभ मेले का आयोजित किया जाता है। दोस्तों प्रयाग का कुंभ मेला सभी मेलों में सर्वाधिक महत्व रखता है। दोस्तों कुंभ मेले की पौराणिक मान्यता अमृत मंथन से जुड़ी हुई है। देवताओं एवं राक्षसों ने समुद्र के मंथन और उसके द्वारा प्रकट होने वाले सभी रत्नों को आपस में बांटने की निर्णय किया, तो समुद्र के मंथन द्वारा जो सबसे मूल्यवान रत्न निकला हुआ था अमृत, उसे पाने के लिए देवताओं और राक्षसों के बीच में संघर्ष हुआ। दोस्तों असुरों से अमृत को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने वह पात्र अपने वाहन गरुड़ को दे दिया। असुरों ने जब गरुड़ से वह पात्र छीनने का प्रयास किया तो उस पात्र में अमृत की कुछ बूंदे छलक कर इलाहाबाद, नासिक, हरिद्वार और उज्जैन में गिरी। तभी से प्रत्येक 12 वर्षों के अंतराल पर इन स्थानों में कुंभ का मेला आयोजित किया जाता है। दोस्तों इन देव देवताओं का युद्ध सुधा कुंभ को लेकर 12 दिन तक 12 स्थानों में चला और उन्हीं 12 स्थानों में सुधा कुंभ से अमृत छलका, जिनमें 4 स्थान मृत्यु लोक में है, शेष 8 स्थान मृत्यु लोक में न होकर अन्य लोकों में स्वर्ग आदि में माने जाते हैं। 12 वर्ष के मान का देवताओं का 12 दिन होता है, इसीलिए 12वें वर्ष की सामान्यतः प्रत्येक स्थान में कुंभ पर्व की स्थिति बनती है। दोस्तों कुंभ मेले का जमावड़ा इतना बड़ा होता है कि इसे अंतरिक्ष भी देखा जा सकता है। दोस्तों कुंभ मेला हिंदुओं की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है, जहां पवित्र नदी में डुबकी लगाने के लिए लाखों हिंदू एक स्थान पर एकत्रित होते हैं। कुंभ मेले को दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक मेले की मान्यता मिली है। कुंभ एक ऐसा मेला है जिसमें देश से नहीं
बल्कि विदेशी भक्तों की संख्या भी बहुत अधिक होती है। दोस्तों कुंभ मेले का प्रमुख आकर्षण साधु संतों के 13 आंकड़े होते हैं, हालांकि अब इनमें 2 आंकड़े आ गए हैं। ये आंकड़े हैं किन्नर आंकड़ा और महिला नागासाकी साधुओं का आंकड़ा। तकरीबन 2 महीने तक चलने वाले कुंभ महापर्व के दौरान स्थान की कुछ विशेष तिथियां सुनिश्चित है। उनमें से प्रमुख है मकर संक्रांति, पौष पूर्णिमा, मौनी अमावस्या, बसंत पंचमी, माघी पूर्णिमा, महाशिवरात्रि। दोस्तों मान्यता है कि कुंभ में स्नान करने से व्यक्ति के न केवल पाप खत्म होते हैं बल्कि उन्हें मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। देवलोक में जाने का रास्ता भी कुंभ स्नान से ही जुड़ा है। दोस्तों शायद आपको कुंभ मेले से जुड़ी हर